हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्यू। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस दी गई हैं जिनकी आपको केमिकल इक्वेशंस लिखनी है, साथ ही साथ उन्हें बैलेंस करना है, और उसके अलावा आपको उन केमिकल रिएक्शंस के टाइप भी बताने हैं कि वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में जो केमिकल रिएक्शन है वो है पोटेशियम ब्रोमाइड आपका रिएक्ट कर रहा है बेरियम आयोडाइड के साथ में और बना रहा है आपका पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका KBr से, प्लस बेरियम आयोडाइड को रिप्रेजेंट किया जाता है BaI2 से। ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं आपका पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। तो ये हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन। चलिए इसे बैलेंस कर लेते हैं। तो पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट की साइड में भी कितने हैं, 1। बेरियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं, 1, और प्रोडक्ट की साइड में कितने हैं, 2। तो सबसे पहले हमें इसे 2 बनाना होगा, यानी कि यहां पर हमने लिख दिया 2। इससे क्या हुआ, बेरियम के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के साइड में, और पोटेशियम के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 2। अब पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ हमने लगा दिया पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए 2। इसके बाद में आयोडाइड के पास में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में कितने हैं, 2, और प्रोडक्ट की साइड में भी कितने हैं, 2। तो ये भी आपका बैलेंस हो गया। साथ ही साथ बेरियम यानी बी ए के पास में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड में कितने हैं, 1। तो ये हो गई आपकी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जानते हैं इसका टाइप क्या होगा। तो इस पूरी रिएक्शन में आपका पोटेशियम जो कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये आयोडीन को डिस्प्लेस कर ले रहा है, और बेरियम जो कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये आपका ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर ले रहा है। यानी यहाँ पर 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, यानी इसका टाइप क्या हो जाएगा आपका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो गई आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन है हमारे पास में जिंक कार्बोनेट बना रहा है आपका जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है आपका ZnCO3। ये आपका बना रहा है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जिंक के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, 1। कार्बन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, 1। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में है 3 और प्रोडक्ट की साइड में 1 है यहाँ पर और 2 है यहाँ पर, ये भी है 3। तो ये आपकी ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं इसका टाइप क्या होगा। तो यहाँ पर आपका जिंक कार्बोनेट स्प्लिट हो रहा है 2 सिंगल प्रोडक्ट में, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका स्प्लिट हो रहा है 2 प्रोडक्ट्स में। तो इसका टाइप हो जाएगा आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन, तो ये हो गया इस पूरी रिएक्शन का टाइप। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन है हमारे पास में हाइड्रोजन आपका रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ में और बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H2 सिंबल से, क्लोरीन को रिप्रेजेंट किया जाता है Cl2 सिंबल से, और ये बना रहे हैं आपका हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। तो यहां पर हाइड्रोजन के पास में नंबर ऑफ एटम है 2 और क्लोरीन के पास में नंबर ऑफ एटम है 2। यहाँ पर है आपका 1 हाइड्रोजन और क्लोरीन भी 1 है, तो इसके आगे हमें 2 लगा देना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। तो ये हो गई आपकी इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब जानते हैं इसका टाइप क्या होगा। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका, ये 2 रिएक्टेंट मिल करके बना रहे हैं आपका एक सिंगल प्रोडक्ट।
तो जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसका जो टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। तो इस क्वेश्चन की लास्ट रिएक्शन है हमारी, मैग्नीशियम आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में और बना रहा है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Mg से, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिप्रेजेंट किया जाता है HCl से, और ये बना रहे हैं आपका मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। तो ये हो गई इसकी केमिकल इक्वेशन। अब इसे बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं, 1। क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में है 1 और प्रोडक्ट की साइड में है 2। तो पहले इसे 2 बनाने के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे 2। तो यहाँ से हमारे क्लोरीन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में कितने हो गए, 2। तो क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया और साथ ही साथ मैग्नीशियम हमारा बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट की साइड में है 2 और प्रोडक्ट की साइड में भी कितने हैं, 2। तो ये हो गई आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस पूरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, Mg जो कि एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट है ये डिस्प्लेस कर दे रहा है आपका हाइड्रोजन को जो कि एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और बना ले रहा है आपका MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन का टाइप हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का टाइप हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप इस क्वेश्चन के चारों पार्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।